हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम कालिंजर के इन्वेजन को डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने हुमायूं के अर्ली डिफिकल्टीज को डिस्कस किया था, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम जान चुके थे कि हुमायूं को बहुत सी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी थी अपने टाइम पीरियड में, कुछ उसकी खुद की गलतियों के वजह से और कुछ उसके अपने भाइयों की वजह से। हुमायूं ने मुगल एम्पायर को अपने भाइयों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, जिससे कि मुगल एम्पायर वीक हो गया। तो हुमायूं ने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए या अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ एफर्ट्स किए, जैसे कि इन्वेजन ऑफ कालिंजर। हुमायूं सबसे पहले कालिंजर की तरफ बढ़ा या कालिंजर को कैप्चर करने के लिए बढ़ा। हुमायूं ने कालिंजर का एक्सपेडिशन 1531 में किया। गद्दी पर बैठने के जस्ट 6 मंथ्स बाद कालिंजर का किंग का नाम प्रताप रुद्र देव था। हुमायूं को ऐसा शक हो रहा था, यह डाउट हो रहा था कि प्रताप रुद्र देव अफगान से मिले हुए हैं। गाइज, लोधीज ही अफगान्स थे और अफगान्स हुमायूं के बहुत बड़े दुश्मन थे। तो गाइज, हुमायूं ने अपनी पोजीशन को बढ़ाने के लिए और अपने एम्पायर को सेव करने के लिए कालिंजर पर अटैक किया। मुगल आर्मी 6 मंथ्स तक कालिंजर के फोर्ट को घेरे रही, लेकिन उससे कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। फिर कालिंजर के किंग ने हुमायूं के साथ ट्रीटी साइन कर ली, जिसमें उसने हुमायूं के सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट किया। कालिंजर का एक्सपेडिशन करना हुमायूं की स्टूपिडिटी थी, क्योंकि इस एक्सपेडिशन से कोई रिजल्ट नहीं निकला। ना ही हुमायूं की इसमें जीत हुई और ना ही उसकी हार हुई। इस एक्सपेडिशन से कुछ हासिल नहीं हुआ हुमायूं को, लेकिन मुगल आर्मी की वीकनेस दिखी और मुगल एम्पायर की पोजीशन और डिग्रेड हो गई। तो गाइज, ये था एक्सपेडिशन ऑफ कालिंजर। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।